सनातन धर्म में जेठ माह का विशेष महत्व बताया गया है और इस महीने पड़ने वाले सभी व्रत और त्यौहार भी अपने आप में बहुत महत्वपूर्ण हो जाते हैं, क्योंकि इस महीने पवन पुत्र हनुमान की विधि विधान पूर्वक पूजा आराधना करने का विधान है। इतना ही नहीं, इस महीने पड़ने वाली पूर्णिमा तिथि भी बेहद फलदायी मानी जाती है। धार्मिक मान्यता के मुताबिक पूर्णिमा तिथि के दिन भगवान श्री हरि विष्णु की पूजा आराधना करने का विधान है। ऐसा कहा जाता है, जो लोग इस दिन भगवान विष्णु और धन की देवी माँ लक्ष्मी की पूजा आराधना करते हैं, उन्हें मनचाहा वर की प्राप्ति होती है। हिंदू पंचांग के मुताबिक इस साल जेठ माह की पूर्णिमा 22 जून को मनाया जाएगा। इस दिन को लेकर कई सारे नियम भी बताए गए हैं, तो चलिए आज हम आपको इस रिपोर्ट में बताते हैं कि इस दिन क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। अयोध्या के ज्योतिष पंडित कल्की राम के मुताबिक पूर्णिमा तिथि के दिन तामसी भोजन करने से बचना चाहिए। इस दिन बाल नाखून नहीं काटना चाहिए। पूर्णिमा तिथि के दिन भगवान श्री हरि विष्णु और माता लक्ष्मी की पूजा आराधना करनी चाहिए।